पाकिस्तान को आतंकी फैक्ट्री बताने वाले पीएम मोदी के बयान से चीन बौखला गया है। चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के बचाव में उतर आया है। चीन ने कहा कि आतंकवाद सभी का दुश्मन है, सभी देशों को पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ने में मदद करनी चाहिए। उन्नाव रेप और कठुआ गैंगरेप की घटनाओं को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में केंद्र ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप करने के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। भारत में अगर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये दावा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी CLSA के मुख्य रणनीतिकार क्रिस्टोफर वुड का। देश भर में कैश की किल्लत के बीच SBI का बड़ा बयान आया है। बैंक ने कहा है कि उसकी POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से कैश निकालने पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। POS से रोज 1000 से 2000 रुपए निकाला जा सकता है। सूरत में हीरा कारोबारी के 12 साल के बेटे के जैन भिक्षु बनने के बाद अब 24 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसी राह पर चल पड़े हैं। मुंबई के करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मोक्षेश सेठ अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ जैन भिक्षु बनेंगे।